इस वक्त आईएएस एक्सेप्शनल एकेडमी परेपुरा से नगर में मौजूद है और आज यहाँ पर फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई। जो भी जम्मू कश्मीर से यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफायर्स थे उनको फेलिसिटेट किया गया। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जो कि सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे और डॉक्टर बिलाल महीद्दीन बट जो कि डीसी श्रीनगर है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। इस वक्त यहाँ पर इंटरेक्शन सेशन चल रहा है। अगर आप फ्रंट रो देखेंगे तो फ्रंट रो में आपको बहुत एक रेयर इमेज मिलेगी, एक रेयर वीडियो मिलेगा जिसमें आपको जम्मू कश्मीर के यूपीएससी क्वालिफायर्स फ्रंट रो में दिखेंगे। और अब हम यहाँ पर डॉक्टर शाहिद चौधरी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये फेलिसिटेशन सेरेमनी किस तरीके से ज़रूरी हो, किस तरीके से यहाँ के स्टूडेंट्स यंगस्टर्स को खासतौर पर एस्पायरेंट्स को ये इंस्पायर करते हैं। 2007 में आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था, 51 रैंक थी आपकी। आज आप फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो क्वालिफायर्स हैं उनके दरमियान आ गए, कैसा लगा आपको ये माहौल, किस तरीके से खुशी आपने देखी? देखिए ये एक हर साल का ट्रेडिशन है, जब नए बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं तो उनके बीच में और जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हो जाती है और बीच में कुछ हम जैसे पुराने लोगों को बुला लिया जाता है। सो नॉर्मली आई डेजिस्ट फ्रॉम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसिस ऑफ यूपीएससी एग्जाम, बिकॉज 15 साल में 16 साल में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बट ज़्यादातर हमने क्वेश्चन आंसर इंट्रैक्शन रखा बच्चों की एस्पिरेशन जानने के लिए, उनके सोसाइटल एक्सपीरियंस, उनके एग्ज़ाम के बारे में और जो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में बात हुई। तो दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि एक जो स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के और ख़ास करके जैसे यहाँ पे हमने देखा अभी बच्चों को बैठे हुए, एक बहुत ब्रिलियंट लॉट है और थोड़ा सा अगर सपोर्ट सिस्टम और इम्प्रूव करें सो आई थिंक जो नंबर्स विच इज़ मेकिंग टू यूपीएससी एवरी ईयर वो 3 गुना 4 गुना बढ़ सकता है। उस पर भी काफ़ी डिस्कोर्स रहा यहाँ पे। और सेकेंडली मुझे लगता है कि और फैसिलिटीज़ थोड़ी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और जो अल्टरनेटिव करियर्स व्हाट इज़ देयर अवेलेबल बियॉन्ड यूपीएससी एट नेशनल लेवल एंड एट इंटरनेशनल लेवल, आई थिंक उस पर एक डिस्कोर्स लाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। कि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस कुछ डिकेड्स तक मेडिसिन और इंजीनियरिंग पे रहा और अब एक अलार्मिंग कंसंट्रेशन या डिस्कोर्स आप कह लीजिए वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज पे है और अब जो सक्सेस रेट भी आप देखें वो बहुत कम रहता है। अब इस स्टेज पे हम हैं कि हमें 10 साल 20 साल और वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि और अल्टरनेटिव करियर्स क्या है। आज हर एक चीज़ हमारे पास डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, कौन सी कंट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ किस इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को, सोसाइटी को, स्टूडेंट्स को दे शुड टेक ए कॉल ऑन दिस के व्हाट इज अवेलेबल बियॉन्ड यूपीएससी एज वेल। सर जितना यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम टफ है, क्या वाकई में इसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है फिर एक ऑफिसर बनने के बाद वो भी टफ होती है? मुझे लगता है कि अगर हम इसको रिवर्स में देखेंगे एज सिविल सर्वेंट जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा टफ हैं कम्पेयर टू एग्जामिनेशन। और वो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट शायद इसलिए रखी हुई है कि आप एक ट्रिमेंडस स्ट्रेस में आपकी डिसीजन मेकिंग पे क्या इम्पैक्ट रहता है जब आप ऐसे लिखते हैं, तो दैट्स नॉट मेरली ए टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं लाइक आपको एक खुला मौका दिया गया फील्ड के आप एक नो होल्ड्स बार्ड सिचुएशन में आप क्या बोलते हैं क्या लिख रहे हैं, दैट इज़ वन थिंग। उसके कंपैरिजन में आपके इंटरव्यू में आपको जज किया जाता है आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कैसे डिसीजन लेते हैं। फिर बहुत सारे जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वहाँ आपकी नॉलेज चेक की जाती है और डिसीजन मेकिंग बहुत सारे क्वेश्चंस में चेक की जाती है, बड़ी क्रिटिकल एनालिसिस आपका इवैल्यूएशन होता है। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट एनी सिविल सर्वेंट एनी पब्लिक सर्वेंट गोज थ्रू एवरी डे। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ मेंशन किया कि उनका बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहे, कहीं सर्टिफिकेट नहीं मिला या कहीं कुछ है। सो आई थिंक वो एग्ज़ाम भी उस चीज़ के लिए तैयार करता है और उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो रिकरेंट वो बहुत ज़रूरी है कि जो कम्युनिटी की सोसाइटी की एस्पिरेशंस हैं सिविल सर्वेंट्स उसको मैच करने के लिए अपने आप को और इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर सेमिनार भी हुआ, इंटरेक्शन सेशन भी हुआ, क्या आपका भी शौक है, आपका भी गोल है कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना? जी हाँ, मेरा भी ये ड्रीम है कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँ, लेकिन मेरी मदर का ड्रीम था कि वो मुझे व्हाइट कोट में देखना चाहती है, तो जब तक मैं मतलब इतनी मेहनत ना करूँ कि मेरी मदर मुझे व्हाइट कोट में देखे तब तक
तक मैं मतलब अपना हार्ड वर्क करूँगी और इंशाल्लाह जब मैं नीट क्वालिफाइड डॉक्टर बन के, तो ऐसे हमने बहुत सारे IAS ऑफिसर देखे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया, डॉक्टर बन के उन्होंने फिर ये ना UPSC ज्वाइन किया है। जैसे आप देख सकते हो डॉक्टर सहरिश असगर भी है और ये भी थे जो ना आप भाई डॉक्टर शाहिद सर भी थे, हाँ एग्जैक्टली वो भी थे, वो भी उन्होंने भी तो पहले नीट क्वालिफाई किया था और उसके बाद ही उन्होंने IAS के लिए प्रिपरेशन की थी। और मेरा ड्रीम भी यही है कि पहले मैं अपनी मदर का ड्रीम करूँ पूरा और उसके बाद मैं अपने ड्रीम पे वर्क करूँ। थैंक यू। क्या कुछ लगा आपको आज उस सेमिनार से, क्या वाकई में एक इंस्पिरेशन मिलती है जब आपको आप सामने IAS ऑफिसर को देखते हैं, वो आपके सामने स्पीच देता है, अपनी स्ट्रेटजीज बताता है? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुस्कान शफी मलिक, करंटली आई एम एनरोल्ड इन IAS एक्सेप्शनल एकेडमी इन IAS बैच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अजहर सर से और बाकी डायरेक्टर्स एंड स्टाफ मेंबर्स से कि उन्होंने इतना अच्छा सेमिनार यहाँ पे ये किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि इतने सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे आए तो बहुत सारी चीज़ें सेमिनार से क्लियर हो जाती है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल डाउट सेशंस था, बहुत सारे डाउट्स बहुत सारे बच्चों में होते हैं कि जो कि क्लियर हो गए। एक खौफ होता है बच्चों में कि क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने एक साइकोलॉजिकली भी हमें मोटिवेट किया कि नहीं इट्स नॉट दैट मच टफ़। एक करियर प्लानिंग का ब्रशअप भी हो गया और बहुत सारी बच्चों में बहुत सारे डाउट सेशंस थे वो भी क्लियर हो गए, क्वेश्चन सेशन भी हो गया। तो इससे हमें बहुत से मैं जानना चाहूँगी, आपने भी सवाल क्या सवाल है आपके मन में जो आपने पूछा? सो मेरे मन में ये सवाल था, आई हैव डन माई बैचलर्स एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नाउ आई एम एनरोल्ड इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज अ मास्टर्स स्टूडेंट इन हिस्ट्री। तो मैंने एक बहुत बड़ी बात मैं आगे कहना चाह रही हूँ कि वहाँ के स्टूडेंट्स में मैंने एक हाई लेवल का कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेवलपमेंट, लैंग्वेज बिल्डिंग देखी एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि बहुत लैक कर रहे हैं। बट एट द ग्राउंड लेवल जब मैंने इन्वेस्टिगेट अपने ही लेवल पर किया ग्राउंड लेवल पर, तो बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम लाइज इन द इंस्टीट्यूशंस, द प्रॉब्लम लाइज इन मेनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो लाइक द एक्सेप्शनल IAS एकेडमी जिन्हों जैसे हमें यहाँ पे एक एनरोलमेंट मिल रहा है, लाइक द मेजर हब्स ऑफ द आउटसाइड स्टेट्स लाइक द डिस्ट्रिक्ट एंड अदर हब्स, तो यहाँ पे वो एक माहौल हमें मिल रहा है। तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव जो कि स्टेट में और भी लेने चाहिए ताकि फार फ्लंग एरियाज़ में जो भी बच्चे हैं हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले यहाँ पे अपने ही जो रीजनल सेंटर्स हैं कि हम बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। डाउट क्या था आपका, सवाल क्या था? सर डाउट मैम डाउट तो बहुत सारे थे, लाइक आंसर राइटिंग रिलेटेड डाउट थे कि कौन से सोर्स से हम पढ़े, डाउट थे कि हम ऑनलाइन टीचिंग ही करें या ऑफलाइन ही बेटर था। सो आई गॉट मेनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द डिफरेंट IAS ऑफिसर्स एंड नाउ इट इज अप टू मी व्हाट आई विल डिसाइड फॉर माई फ्यूचर एंड इट वॉज क्वाइट अ गुड सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा आपने जो है फेलिसिटेशन सेरेमनी यहाँ पर रखी थी, एस्पायरेंट्स ने भी सुना किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है, स्ट्रेटजीज क्या होती है, क्या कुछ समझते हैं आप, कितना इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस क्या है इन फेलिसिटेशन सेरेमनी? जी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज हमने फेलिसिटेशन सेरेमनी की है जिसके चीफ गेस्ट थे डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी और स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट, और इसमें हमने बुलाया था 8 IAS टॉपर्स को जो वैली के J&K के स्टेट के UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 के टॉपर्स है। तो ये हमने इनको इसलिए बुलाया कि इनको फेलिसिटेट किया हमने एंड साथ साथ एस्पिरेंट के साथ अभी आप देख रहे हैं कि इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, तो इनको देखिए इनकी मोटिवेशनल स्टोरी को देखिए, बच्चे मोटिवेट होते हैं, एनकरेज होते हैं टुवर्ड्स दिस सर्विस एंड ऑल्सो उनको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जिन चीज़ों की इनको ज़रूरत है उसका प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, उसका पाथ क्या होना चाहिए, उसका रास्ता क्या होना चाहिए, उसमें उनको काफ़ी एनकरेज होता है, काफ़ी हेल्प होता है। तो ये ऐसे सेशंस हम लगातार करते रहेंगे ताकि बच्चों को हम एनकरेज करते रहें। काफ़ी सालों से आप ये एक्सेप्शनल IAS एकेडमी चला रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस लग रहे हैं, क्योंकि अब ये ट्रेंड बन गया है कि UPSC क्वालिफाई करना है जो कि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, एज अ डायरेक्टर आपको क्या लगता है किस तरीके से चेंजेस? जी चेंजेस आप जैसे देखेंगे अभी आज की डेट में जो सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट है बच्चों को, इनको एक आप स्मार्ट क्लासरूम देने की ज़रूरत है, इनको लाइब्रेरी फैसिलिटी देने की ज़रूरत है। जैसे आप अपने अभी आपने देखा कि शाहिद इकबाल चौधरी सर ने यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी को भी इनॉग्रेट किया जिसमें अराउंड 170 एस्पिरेंट्स की कैपेसिटी है और इस लाइब्रेरी में फैसिलिटीज़ इनको वाईफाई फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूरत है जो बच्चे को मिले, क्योंकि इस पढ़ाई के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है और क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइब्रेरी फैसिलिटी दे रहे हो, आप क्वालिटी फैकल्टी दे रहे हो, एक क्वालिटी एटमॉस्फेयर दे रहे हो,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हज़ार साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर आई एस अकेडमी। हमने स्टूडेंट से भी बात की, उसके अलावा जो उनके चीफ गेस्ट थे उनसे भी हमने बात की, और आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर एक फेलिसिटेशन सेरेमनी भी हुआ, उसके साथ साथ एक सेमिनार भी हुआ जिसमें एक इंटरेक्शन सेशन हुआ। स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने सवाल पूछे, गेस्ट जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने लेक्चर भी किया, और किस तरीके से यहाँ के स्टूडेंट इन गेस्ट की वजह से इंस्पायर हुए। एशियन न्यूज़ हब के लिए एक्सेप्शनल आई एस अकेडमी परिपुरा से फजा ज़्यादा।